अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है। सब्र सब्र उजाला है। अल मुस्लिम कुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। अद्दीन नसीहतुन, दीन खैर खाई का नाम है। रोजा ढाल है। अपना सहन साफ रखो। मन समत नजात, जो चुप रहा नजात पाई। मन जही का जोही का, जो किसी पर हंसेगा उस पर कयामत के दिन हंसा जाएगा। अल मोमिनु लायक जबु, मुसलमान झूठ नहीं बोलता। अद्दीनु युसुरुन, दीन आसान है। अल ऐनु हक्कुन, गुजर लगना सच है। अस्सिरातुल हक्कुन, पुल सिरा से गुजरना सच है। अस्सिवालुल जुल्लुन, मांगना बुरी चीज है। फसलिसाना का, अपनी जवान की हिफाजत कर। जाड़ी हक्कुन, भरोसे का तुम पर हक है। जालिम ये चाहता है कि पहचान छोड़ दे, घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दे। अरे मरना हमें कबूल है, मर जाएंगे मगर। मरना हमें कबूल है, मर जाएंगे मगर। मुमकिन नहीं है कि हम दौलत कुरान छोड़ दे, मुमकिन नहीं है कि हम दौलत कुरान छोड़ दे। अब मैं नात नात शरीफ पढ़ने के लिए, सुभान अल्लाह, अब मैं नातिया शरीफ, एक छोटी सी बच्ची, हमारे जनाब आलामुल साहब की लड़की है, साजिया खातून, वो तशरीफ ला रही है। माशाल्लाह, आप सुनिएगा तो दिल मचल जाएगा। अब तमाम फैसल इलाही, आप तशरीफ ला चुके हैं सीतामढ़ी के जिले से रहने वाले फैसल इलाही और हमारे वसीम अख्तर जमाली। देखिएगा ये छोटी सी बच्ची कमाल करके जाएगी इंशाल्लाह। देखिए किस तरह किस तरीके से इसका अंदाज है, आप सुनकर बेताब हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोगों के सामने कुछ नात शरीफ सुनाने जा रही। सुनने और सुनाने से पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। न कागज की तस्करा, न पीने की तस्करा। न कागज की तस्करा, न पीने की तस्करा। इस महफिल में हो रहा है मदीने की तस्करा। हरा गुंबद जो देखोगे जवाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे जवाना भूल जाओ।
हटाना ना भूल जाओगे, नजर जब जाएगी उस पर हटाना ना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे जवाना भूल जाओगे, अगर माशाअल्लाह। ये थी साजिया खातून, वालिद का नाम मोहम्मद अलामुन, और मैं मुकालमा पेश करने के लिए सीफत और जसीमा को दावत इस्लाम देने जा रहा हूँ कि आए और अपनी मुकालमा से तमाम सामाइन को दिलो सीफत और जसीमा, जल्दी से आ जाए। सीफत और जसीमा, जल्दी जल्दी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहन मैं कुछ सवाल करना चाहती हूँ, कि आप जवाब दोगी? जी। हम सब कौन है? मुसलमान। मुसलमानों का क्या मजहब है? इस्लाम। हम सब किसकी उम्मत में है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी उम्र हुई? 63 साल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए? पीर के दिन। पीर का दिन किस दिन को कहते हैं? सोमवार को। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? मक्का शरीफ में। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 63 साल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला बीबी आमना रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पीर के दिन? पीर का दिन किस दिन को कहते हैं? सोमवार को। फीजा और रहमती मुकालमा के लिए जल्दी आ जाए। फीजा और रहमती, शम्मा और नेमत तैयार रहिएगा। जल्दी आइए। हेलो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहन, इस्लाम की बुनियाद कितने चीजों पर है? 5 चीजों पर है। बहन कौन कौन से हैं? कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। बहन आसमानी किताब कितनी है? बहन 4 है। बहन कौन कौन से हैं? तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान शरीफ। बहन तौरात किस पैगंबर पर नाजिल हुई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर। बहन इंजील, बहन जबूर किस पैगंबर पर नाजिल हुई? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। बहन इंजील किस पैगंबर पर नाजिल हुई? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर। कुरान शरीफ किस पैगंबर पर नाजिल हुई? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। बहन दिन भर में कितनी वक्त की नमाज फर्ज है? बहन 5। बहन पांचों वक्त की नमाजों का नाम बताएं। फजर, जहर, असर, मगरिब, ईशा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शम्मा और नेमत, जल्दी आए, जल्दी आ जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू।
कुरान शरीफ में कितने सिपारे हैं? सिपारे हैं। कुरान शरीफ में कितने सूर हैं? 114। कुरान शरीफ में कितने सजदे हैं? 14। कुरान में कितनी मंजिलें हैं? 7। कुरान शरीफ कितने सालों में नाजिल हुई? 10 सालों में। कुरान शरीफ में बगैर बिस्मिल्लाह के कौन सा सूर है? सूरह तौबा। कुरान शरीफ में सबसे पहली सूरा कौन है? सूरह फातिहा। कुरान शरीफ में सबसे पहली आयत कौन है? इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। कुरान शरीफ में सबसे बड़ी सूरा कौन है? सूरह बकरा। कुरान शरीफ में सबसे छोटी सूरा कौन है? सूरह कौसर। कुरान शरीफ में सबसे ज्यादा कौन सा हरूफ इस्तेमाल हुआ है? अलीफ। कुरान शरीफ के आयत या सूरा कौन फरिश्ते लाए थे? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। कुरान शरीफ कौन से नबी पर नाज़िल हुई? हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम। खुशनुमा अब्दुल समद। बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, कि मैं कौन हूँ के बताया था माने, कि मैं कौन हूँ के बताया था माने, कि मैं कौन हूँ के बताया था माने, पर परी के कुरान सुनाती है माँ, कि पर परी के कुरान सुनाती है माँ, बहुत जैनब खान। ये छोटी सी बच्ची देखिए तकरीर करने के लिए आ रही हैं। ये जैनब खान, वालिद का नाम मोहम्मद इम्तियाज खान। ये छोटी सी बच्ची तकरीर करेगी, दिल को रोशन कर देगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नामदु अनुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज मेरी तकरीर का उन्वान है हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करने का पहला दिन है। उस्ताद साहब ने फरमाया, हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तकरीबन 1400 बरस पहले मक्का मजमा में पैदा हुए। रबीउल अव्वल की 9 तारीख थी, पीर का दिन था और सुबह का सुहाना वक्त। वालिद माजिद का नाम अब्दुल्ला था और वालदा मोहतरमा का नाम बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दादा साहब का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। आपका खानदान हाशमी कहलाता था। आपके बरादरी के लोगों को कुरैश कहा जाता था। आप यतीम पैदा हुए क्योंकि कुछ दिनों पहले आपके वालिद साहब की वफात हो चुकी थी। मक्का में कहत था, बीमारी फैली हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होते ही पानी बरसा, बीमारी जाती रही, बरकत से नाजिल हुई। नाम नामी दादा साहब ने आपका नाम मोहम्मद रखा और वालदा मोहतरमा ने अहमद। ये दोनों नाम नए थे, अरब में ऐसे नाम नहीं रखे जाते थे। कैसे प्यारे हैं ये दोनों नाम, तुम जब सुनो दिल से कहो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहन भाई कोई नहीं था। उस्ताद साहब ने ये बातें बताकर बच्चों से फरमाया, गौर करो इस वाक्य से तुम्हें क्या सबक मिलता है। एक लड़के का नाम खालिद था, उसने खड़े होकर अर्ज किया, हजरत इस वाक्य से ये सबक मिलता है कि यतीम बच्चे को कम नसीब न समझना चाहिए, इससे मोहब्बत करनी चाहिए। किसी को क्या मालूम ये बच्चा किस रुतबा का आदमी होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।